नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के वर्तमान अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने गुरुवार को पर्युषण महापर्व के तीसरे दिन समुपस्थित श्रद्धालु जनता को पावन प्रतिबोध प्रदान करते हुए कहा कि भगवान महावीर की आध्यात्म यात्रा में जब भगवान महावीर का जीव नए सार के भव में था, उसे साधुओं से प्रेरणा मिली तो उसने सम्यक्त्व को धारण किया, जिसके फल स्वरूप वो आत्मा प्रथम देवलोक सर्वधर्म लोक में पैदा हुई। सम्यक्त्व का जीवन में आना बहुत बड़ी बात होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए तो उससे बड़ा कोई रत्न नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं और उससे बड़ा कोई लाभ नहीं होता। सत्य के प्रति आस्था हो, सच्चाई व यथार्थ के प्रति निष्ठा हो। जिनेश्वर भगवान ने जो प्रवेदित किया वही सत्य है। कषाय मंद होगा तो सम्यक्त्व का भाव और भी पुष्ट हो सकता है। विनम्रता का भाव रखने का प्रयास हो, जीवन में प्राप्त सम्यक्त्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान महावीर की आत्मा जब नए सार के भव थी तो उसे साधुओं से प्रेरणा मिली और वो सम्यक्त्व को प्राप्त किया। इस कारण वो प्रथम देवलोक में पहुंची और वहां से आयुष्य पूर्ण कर भगवान ऋषभ के पुत्र भरत के बेटे मरीचि के रूप में उत्पन्न हुई। अच्छा कुल और अच्छे परिवार की प्राप्ति भी सौभाग्य की बात होती है। भगवान ऋषभ की देशना को सुनने को अवसर मिला तो मरीचि के मन में पुनः वैराग्य की भावना जागृत हो गई। प्रवचन सुनना भी अच्छी बात होती है। वर्तमान समय में नंदन वन में साधु साध्वियों के द्वारा पर्युषण में धर्म आराधना किए जाने के साथ साथ कितने कितने श्रावक श्राविकाएं भी पर्युषण महापर्व के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए और निरंतर धर्म ध्यान साधना जप स्वाध्याय तप आदि का क्रम चल रहा है। इससे ये नंदन वन भी मानो तपोवन सा बन गया है। आचार्य श्री ने सामायिक दिवस के संदर्भ में उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा कि पर्युषण पर्व के दौरान इस धर्म की गंगा में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, इससे आत्मा निर्मल बन सकती है। साधुओं को तो सर्व विरति की सामायिक होती है। श्रावकों के लिए 6 कोटि, 8 कोटि और 9 कोटि की सामायिक बताई गई है। श्रावक 9 कोटि की सामायिक भी करें तो भी साधुओं के सामायिक की बराबरी तो नहीं कर सकते। सामायिक ना शुभ योग है और ना ही अशुभ योग है, सामायिक संवर है। इस दौरान शुभ अथवा अशुभ योग हो सकता है। शनिवार को 7 से 8 बजे की सामायिक करनी ही है, ऐसा प्रयास होना चाहिए। घर में शादी का भी माहौल हो और शादी में देरी हो तो मेहमान ही वर वधू भी 7 से 8 बजे के बीच सामायिक कर सकते हैं। 50 वर्ष की अवस्था के बाद तो प्रतिदिन 1 सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। युवा व किशोर रोज 1 सामायिक ना कर सकें तो सप्ताह में 1 सामायिक करने का प्रयास कर सकते हैं। सामायिक के दौरान कोई दोष लगे तो आदमी को आलोयना लेकर सामायिक को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे आत्मा का कल्याण हो सकता है।